बाराबंकी संसदीय सीट के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया के तहत मंगलवार को कांग्रेस के रोड शो में नोट उड़ाकर आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। इसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार तनुज पुनिया ने अपना पर्चा भरा और इसके अलावा वीडियो वायरल होने के बाद अभी तक किसी भी प्रकार की चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई। आपको बता दें कि बाराबंकी से कांग्रेस के उम्मीदवार तनुज पुनिया के नामांकन से पूर्व वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी की अगुवाई में रोड शो किया गया और नागेश्वर नाथ से इस रोड शो को निकाला गया। रोड शो चंद कदम ही चला था कि नारेबाजी कर रहे हुजूम में से कुछ लोगों ने भांगड़ा की धुन पर नोट लहरा दिए और बिखर गए। इसी दौरान कुछ ही समय में कई राउंड नोट बरसे और ये रोड शो बाहर से गुजरा, इसके बाद नामांकन हुआ। इस संबंध में एडीएम वित्त एवं साथी राजस्व संदीप गुप्ता का कहना है कि फ्लाइंग स्क्वाड से वीडियो लेकर उसे देखने के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।